अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मैंने आज तक तुम्हारे मामलात में कभी दखल नहीं दिया, तुम्हें भी कोई हक नहीं पहुंचता मेरे मामलात में बोलने का। और वैसे भी तुम्हारे इस पैसे के रोब में बाबा, अम्मी और समीर दब सकते हैं, मैं नहीं। बहुत हो गया निष्पा, तुम उसके बारे में सोचो या ना सोचो, लेकिन मैं और तुम्हारे पापा फैसला कर चुके। कैसा फैसला? तुम्हारी शादी का फैसला। क्या शहर में इस तरह अभी काम छोड़ के नहीं आ सकता? भाई, आपके लिए आपका काम ज्यादा जरूरी है या फिर आपकी बहन? मेरे लिए दोनों जरूरी हैं, लेकिन इस टाइम पे मुझे अपने काम पे फोकस करना। वो तो मैं देख ही रही हूँ कि आपका फोकस कहाँ पर है। तुम्हें शहर से इस तरह रूडली बिहेव नहीं करना चाहिए था। बाबा, मैंने कहाँ रूडली बिहेव किया? आज ऑफिस में तुम्हारा उसके साथ बिहेवियर अच्छा नहीं था, बहुत हर्ट हुई है वो। मैं उस टाइम पे बिजी था। क्या बिजी थे? काम तो सारी जिंदगी चलते रहेंगे, तुम्हें अपनी बहन को वक्त देना चाहिए था। मामा, आप इतनी छोटी छोटी बातों पर नाराज क्यों हो रही है? शहर की आदत का तो आपको पता है, हर छोटी बात को जिद बना के बहस करती है। तुम तो उसके बड़े भाई हो ना, तुमसे जिद नहीं करेगी तो फिर किसे करेगी? और तुम उसकी आदतों को अच्छी तरह जानते हो ना। अच्छा, आप जाकर उसे मना लेना, सुबह से उसने कुछ खाया पिया नहीं है, कमरे में बंद होके बैठी है। ठीक है, मैं उससे बात करूंगा। गुड। कहाँ जा रही हो? यूनिवर्सिटी। एग्जाम्स तो तुम्हारे खत्म हो चुके? हाँ, तो लेकिन कुछ असाइनमेंट सबमिट करवानी है, इसलिए जाना पड़ेगा। देखो, जितनी पढ़ाई करनी थी ना कर ली है, अब घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। दिस इज रॉन्ग, आप मुझे ऐसे घर में कैद करके तो नहीं रख सकती। मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी जाने की इजाजत नहीं दूंगी, तुम चाहे इसे फैस समझो या मेरा हो। यू डोंट ट्रस्ट मी एनीमोर, इससे तो बेहतर है कि आप मुझे एक ही दफा जहर दे के मार दें। रोज रोज इस तरह अपनी नजरों से गिर के मरने से बेहतर है कि आप मैं एक ही दफा मर जाऊं। तुम्हें यूनिवर्सिटी जाना, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता। उसके लिए तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी, जहां हम कहेंगे वहां तुम्हें शादी के लिए हां करनी होगी। आजो समीर नाश्ते पे। बाकी सब कहाँ है? फुरकान तो तुम्हें पता है लेट ही उठता है, अम्मी और पापा आते होंगे बाहर लॉन में। क्या बात है, तुम कुछ परेशान लग रहे हो, एग्जाम्स की टेंशन तो नहीं? जी जी, एग्जाम्स अच्छे जा रहे हैं। देखो समीर, मैं जानती हूँ पिछले दिनों हमारे हालात बहुत बुरे रहे, लेकिन हालात बुरे हो या अच्छे, वक्त तो गुजर ही जाता है ना, इसलिए तुम किसी चीज की टेंशन मत लेना, सिर्फ अपनी पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट करो और फीस की तो बिल्कुल फिक्र मत करना। तुम, मैंने अपनी सैलरी से अलग करके रख ली है तुम्हारी फीस। मायरा, इसकी क्या जरूरत थी? क्या मतलब? मेरा मतलब अभी जरूरत नहीं है, जब होगी तो बता दूंगा। अम्मी नहीं आई? पापा सोग मना रही। सोग? हाँ, किसी भी गलत बात से रोका जाए तो रोना पीटना शुरू कर देती। वो तुम्हारी कल वाली बिल वाली बात को लेकर रो रही,
अम्मी अभी तक उस बात पे नाराज हैं। मैं लेके आती हूँ उन्हें। अरे नहीं, रहने दो, आदत है उसकी रोने की, खुद ही ठीक हो जाए। आप लोग बैठे नाश्ते की टेबल पे, मैं लेके आ रही हूँ। बहुत कोशिश की है मैंने समझाने की, अब तो पापा भी मेरी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं। मेरी शादी कहीं और करना चाहते हैं। लगता है कि वो अली का अंजाम भूल गए। अलिशबा, तुम्हारे और मेरे दरमियान जो भी आएगा मैं उसकी जान ले लूंगा। गॉड सेक फुरकान, प्लीज अब ऐसी कोई हरकत मत करना। पहले ही तुम्हारी वजह से हालात इतने ज्यादा बिगड़ चुके हैं, मुझे तो इस प्रॉब्लम का कोई दूसरा एंड भी नजर नहीं आ रहा। तुम फिक्र मत करो, मुझ पे यकीन रखो, मैं सारी उलझने सुलझा दूंगा। जैसे अब तक सुलझाते आए हो, जितनी मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ मामा पापा को उतनी ही तुमसे नफरत हो गई है। तुम्हारा नाम तक नहीं सुनना पसंद करते वो। काश तुमने अपने गुस्से पे कंट्रोल किया होता, आज ये सब ना होता। अलिशबा, मैंने ये सब कुछ तुम्हारी खातिर तो किया है। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम किसी और की हो जाओ। मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती फुरकान। किसी और से शादी करने से पहले आई विल डेफिनेटली कमिट अ सुसाइड। अलिशबा, मेरे सामने ये मरने की बातें मत करो प्लीज। हमें अपनी आखिरी सांस तक एक दूसरे के साथ रहना। मैंने कहा ना कि तुम फिक्र मत करो, मैं कोई ना कोई हल निकालता हूँ। मगर कैसे? मैं जानती हूँ उस चीज का अब कोई हल नहीं है। हल है अलिशबा, हम कोर्ट मैरिज करेंगे। क्या कोर्ट मैरिज? हेलो, हाय मायरा। जी सर। आई एम श्योर मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया अभी इस टाइम पे? नहीं, कोई काम था आपको? अच्छा, मतलब आपको सिर्फ काम के लिए फोन किया जा सकता है? जी मायरा, इस वक्त मैं तुमसे एक बॉस की हैसियत से नहीं, एक दोस्त की हैसियत से बात कर रहा हूँ। मुझे बताओ, घर में सब कुछ ठीक है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? जी सब ठीक है यहाँ। अच्छा देखो, घर में अगर कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे बता सकते हो। देखो प्लीज, कभी भी हिचकिचाना मत, ओके? थैंक यू सो मच सर, आपने इस मुश्किल वक्त में हमारा बहुत साथ दिया है। मैं तो चाहकर भी आपके एहसानात का बदला कभी नहीं उतार सकती। अच्छा चलो, अगर बदला नहीं चुका सकती तो एहसान के बदले एहसान तो कर सकती हूँ ना? मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। कुछ नहीं, वक्त आने पे सब कुछ समझ आ जाएगा। अच्छा रखता हूँ, अपना ख्याल रखना, बाय। सच पूछो शाइस्ता, हमें तो बहुत अफसोस हुआ। अभी दिन ही कितने हुए थे मंगनी को, रिश्ता भी टूट गया। किस्मत में जो लिखा हुआ था। सच कह रही हो शाइस्ता, जिन लोगों को घर में पनाह दी उन्होंने ही पीठ पीछे छुरा घोंप दिया। आजकल तो भलाई का जमाना ही नहीं है। आपने सोचा भी नहीं होगा, जिन लोगों को घर में पनाह दे रही हो वो ही आपके घर का सुकून बर्बाद कर देंगे।
मुझे तो सबसे ज्यादा अफसोस तुम्हारी और आरफा की दोस्ती खत्म होने पे हुआ। माना कि आरफा के साथ गलत हुआ, पर उसे सारे रिश्ते नाते खत्म नहीं करने चाहिए। मैंने तो बहुत कोशिश की उसे समझाने की, लेकिन वो मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं हुई। चलो छोड़ो, जाने दो, जो हुआ तो हुआ। अब क्या सोचा है आपने? किस बारे में? अलिस्बा की शादी के बारे में। जैसे कोई अच्छा रिश्ता मिलेगा ना, मैं तो उसकी शादी कर दूंगी। बल्कि अगर तुम्हारी नजर में कोई अच्छा रिश्ता है तो मुझे जरूर बताना। बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, आप अपनी बेटी की शादी वहीं कर दो जहाँ वो चाहती है। क्या कहना चाह रही हो तुम? जज्बाती होने के बजाय मेरी बात पे गौर करो शाइस्ता। जहाँ जवान औलाद का मामला होता है, वहाँ माँ बाप को समझदारी से काम लेना चाहिए। इससे पहले कि कोई ऊंच नीच हो जाए, बेटी को रुखसत कर दो, यही बेहतर है। अम्मी वो बिजली का बिल आया। तो मायरा को दो, अरमान साहब को दे दी। अरमान सर को क्यों? क्योंकि घर उनका है, बाकी सब जिम्मेदारियां वो करते हैं, तो ये भी कहते हैं। लाओ समीर, मैं ऑफिस जाते हुए जमा करा दूंगी। चल, जाग गई तुम्हारी खुददारी। खाने पे जरा से एक्स्ट्रा पैसे खर्च हो रहे थे तो तुम्हें तकलीफ हो रही थी, बिल पे करते हुए तुम्हें परेशानी नहीं होगी? अम्मी क्या बात कर रही हैं आप, उस खर्चे में और इस खर्चे में बहुत फर्क है। ये तो हमारी जिम्मेदारी है और वो तो फजूल खर्ची है ना। कह क्यों नहीं देती कि मैं फजूल खर्च हूँ? अब खाना पीना भी तुम्हारी मर्जी से होगा मायरा। अम्मी आप मायरा की बात का गलत मतलब ले रही हैं। ठीक कह रहे हो तुम भी, मैं गलत, मेरी बातें गलत, मैं तो हूँ ही सरापा गलती। ये अलिश्बा, अलिश्बा तुमने क्या सोचा, मुझे कुछ बताओ तो सही। फुरकान, तुमने मुझे किस उलझन में डाल दिया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं कोई फैसला नहीं कर पा रही हूँ। क्या मतलब अलिश्बा कि तुम कोई फैसला नहीं कर पा रही? तुम्हें मेरे साथ तो रहना है ना? मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ फुरकान, मगर। मगर क्या? मगर मैं अपने मामा पापा को धोखा नहीं दे सकती। ये कोई धोखा नहीं है अलिश्बा, एक बार हमारी शादी हो जाएगी उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम सबको मना लेंगे। पता नहीं फुरकान, लेकिन मुझे बहुत डर है। अलिश्बा, यू स्टिल लव मी ना? तुम मेरे साथ रहना तो चाहती हो ना? तुम ऐसा तो मत कहो, मेरी मजबूरियों को समझने की कोशिश करो। मजबूरी? फॉर गॉड सेक अलिश्बा, जब प्यार सच्चा हो ना तो मजबूरी की कोई भी दीवार रुकावट नहीं बनती रास्ते की। ठीक है अलिश्बा, तुम फैसला कर लो कि तुम्हारे लिए मेरा साथ पाना ज्यादा मुश्किल है या फिर मेरे बगैर रहना। मुझे तुम्हारे फैसले का इंतजार रहेगा। मेरा तो बस नहीं चल रहा कि मैं उस फुरकान की जाके जान ले लूं जिसने हमारी जिंदगियों में जहर घोल दिया। काम डाउन शाइस्ता, क्यों लोगों की बातों में आके अपना खून जला रही हूँ? खून तो मेरा उस दिन से खौल रहा है जिस दिन आपके भांजे ने मेरी बेटी को जाके वरखा लाया था। मुझे जिस बात का डर था आज वही वक्त मेरे सामने आ गया। अलिश्बा की मंगनी की टूटने की खबर सारे जहां में मशहूर हो गई, सबको पता चल गया। ऐसी बातें ज्यादा देर तक छुपी नहीं रह सकती शाइस्ता, एक ना एक दिन ये बात सबको पता चलनी ही थी। मगर जिस तरह ये बात सामने आई है, अलिश्बा को फुरकान के साथ मंसूख किया जा रहा है और मैं हरगिज़ ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकती फराज। तुम हौसला रखो, हम जल्दी कोई अच्छा सा रिश्ता देकर अलिश्बा की शादी कर देंगे। नहीं, अब मैंने अलिश्बा की शादी का इंतजार नहीं करना और मैंने भी फैसला कर लिया,
मैं अलिश्बा को लेकर इस्लामाबाद जा रही हूँ, ये मेरा अटल फैसला है, आप माने या ना माने। अम्मी ये क्या मुसीबत है, आज घर में फिर दाल पकी है। मुझे क्या पता, मारा दफ्तर जाने से पहले यही पका के गई। तो आप कुछ और पका लेती, आपको पता है मुझे दाल पसंद नहीं है। सौदे में अगर किचन में इसके अलावा कुछ और होगा तो पकवाऊंगी ना। क्या मतलब, जो मायरा की इतनी सैलरी है वो कहाँ जा रही है? मुझे क्या पता, जहाँ से मिल रही है उन्हीं के पास वापस जा रही है, बिलों की सूरत में, किरायों की सूरत में। शर्म की बात, जिसका खा रहे हो उसी के बारे में जहर उगल रहे। और तुम तो मायरा के बहुत खिलाफ थे, घर से बाहर निकलने के, नौकरी करने के, अब उसकी सैलरी पर नजर जमाए खड़े। इस वक्त ये बातें करना जरूरी है क्या? रहने दे अम्मी, यहां पर इन लोगों को मेरा खाना पीना भी बर्दाश्त है। नखल फलात, आप क्यों इसके पीछे पड़े रहते हैं? मायरा जी, अम्मी किचन में सौदा डलवा दो, कुछ भी नहीं। अच्छा मैं ले आऊंगी, आप मुझे बता दीजिएगा क्या चाहिए। और वो तुम्हारा कोई पार्सल आया है? मेरा पार्सल? हाँ शायद किसी शॉपिंग मॉल से आया। तुम एक बात बताओ, ये तुम खरीदारी करके और भूल के आ जाती हो पैसे दे के और सामान ना लाना, ये कहाँ की अकलमंदी? वैसे तो तुम बड़ी समझदार बनती हो। खैर मैं तुम्हारी साइड टेबल पे रख, देख लें सौदा जरूर मंगवा दे। शायस्ता फिर एक बार अच्छी तरह सोच लो, कहीं तुम जल्दी में गलत फैसला तो नहीं कर रही? मैंने सोच लिया है, मैं अलिश्बा को फुरकान और इस शहर से दूर लेके जाना चाहती हूँ। देखो फरार मसले का हल नहीं होता, लेकिन मसले से बचने का एक तरीका तो है ना। और हाँ आप भी कोशिश करिए कि जल्द से जल्द अपनी बिजनेस वाइंड अप करके इस्लामाबाद आ जाए। मैं जाके देखू अलिश्बा ने पैकिंग शुरू की है या अभी तक बैठी हुई है सीधी। कर कि तुम्हारे लिए मेरा साथ पाना ज्यादा मुश्किल है या फिर मेरे बगैर रहना। मुझे तुम्हारे फैसले का इंतजार रहेगा। ये क्या, तुमने पैकिंग नहीं की अभी तक? तुम्हें याद है ना जो मैंने तुमको कहा था? बेहतर यही होगा तुम्हारे लिए कि तुम उसको याद रखो। Thank you.
हेलो जी, अपनी इज्जत के बचे हुए टुकड़े जमा करने की कोशिश की, अपने आप को अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश की, औलाद ने उसकी धज्जियां उड़ा दी। इस जिल्लत और रुसवाई से तो बेहतर है कि मैं मर जाऊं। नहीं जीना मुझे, नहीं जीना मुझे, मैं मर जाऊं। क्या तुम मायरा के बारे में वाकई सीरियस? मतलब? मेरा मतलब है कि तुम्हारा इंटरेस्ट सिर्फ दोस्ती की हद तक है या व्हाट्स गोइंग ऑन? डैड, मैं मायरा से शादी करना चाहता हूँ। मैंने उसको अपनी जिंदगी में शामिल करने का फैसला कर लिया। मेरी जिंदगी की धनक ले गया, कोई जर्द चेहरा मुझे